यामाहा Y125 यामाहा Y13 के लिए अगर आप एक न्यू प्रीमियम थीम सर्च करें तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये थीम और वीडियो पसंद आता तो चाहिए पहले वीडियो को लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आप एक न्यू थीम सर्च कर रहे हैं तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जेक इसको अप्लाई करने के बाद गूगल का फोल्डर में, जिसमें आपको काफी इंटरेस्टिंग आइकन्स देखने को मिलता है गूगल का फोल्डर में, जो कि आपका पूरा स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड है, होम स्क्रीन टूल्स का फोल्डर, सभी जगह आपको सिमिलर आइकन्स देखने को मिलता है। इस आइकन पैक में आपको एक भी आइकन्स मिसिंग नहीं देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा बात है। आपको ये थीम ट्राई करना चाहिए। विजेट काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, वॉलपेपर बहुत ही लो क्वालिटी का था तो उसके लिए मैं वो चेंज कर चुका हूँ। अगर आप जेक इसका कंट्रोल सेंटर में, तो आपका ये 13 का कंट्रोल सेंटर को सभी टॉगल्स को चेंज कर देगा, जो कि आप देख सकते हैं काफी इंटरेस्टिंग आपको इसमें भी टॉगल्स देखने मिल जाता है। और ये आपको जो सेटिंग्स में भी काफी इंटरेस्टिंग लुक देखने मिलता है, जो कि मेरे को पर्सनली इसका टॉगल्स काफी क्लीन या मिनिमल लगा। आपको जो कि ट्राई करना चाहिए थी, मेरे को पर्सनली इसका सेटिंग्स अच्छा लगा। और डार्क मोड में आपको पूरा ब्लैक देखने को मिलता है, लाइट मोड में आपको थोड़ा सा जो है आपका एक प्लस साइन देखने को मिलता है छोटा छोटा, जो कि आप देख सकते हैं। आपको अप्लाई करना होगा आपका थीम, मतलब फोन में, तभी आपको बेटर ये पता चलेगा कैसा थीम है। तो मेरे को पर्सनली ये थीम अच्छा लगा। अगर आप जो इसका अबाउट फोन या ऑल स्पेक्स में, तो इस में चेंजेस नहीं देखने को मिलता, बट आप देख सकते हैं लाइट मोड अनेबल करने के बाद आपका सर्च बार रेड हो गया और पूरा लुक जो है आपको चेंज देखने को मिलता है। अगर आप जाएगा इसका एडिशनल सेटिंग्स में, तो एडिशनल सेटिंग्स में भी आपको नीचे जो है आपका टेक्स्ट का कलर रेड कलर का देखने को मिलता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लुक आपका फोन दे सकता है। एक ही टॉगल्स मिसिंग है, जो कि आपका जो है ज्यादातर थीम्स में मिसिंग रहता है। अगर आप जाएगा बाकी जैसे इसका डायलर, मैसेजेस ऐप या वॉल्यूम स्लाइडर में, तो वो आपका चेंज नहीं होता है, जो कि होना चाहिए था, बट आजकल थीम्स में ये चीज काफी कम चेंज होता है। और अगर आप जाइएगा इसका लॉक स्क्रीन में, तो इसमें आपको लॉक स्क्रीन काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। मेरे को पर्सनली इसका विजेट काफी अच्छा लगा, लुक भी काफी डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए था तो ये आप थीम ट्राई कर सकते हैं। और ये आपका लॉक स्क्रीन जो है पूरा एनिमेटेड है, आप जैसे फोन को मूव कीजिएगा उस हिसाब से आपका जो विजेट भी मूव करेगा, मतलब कि आपका ग्रेविटी सेंसर को पूरा यूज कर रहा है। तो ऑब्वियसली इससे आपका थोड़ा बहुत बैटरी ड्रेन हो सकता है, बट हाँ थोड़ा सा आपको एडिशनल फीचर्स इसमें देखने को मिलता है। अगर आपको ये डाउनलोड करना अच्छा लगा थीम, तो उसके लिए आपको जाना होगा थीम स्टोर में, सर्च करना होगा स्पाइडर आईजेड V13। जैसे आप सर्च कीजिएगा स्पाइडर आईजेड V13, आपको ये थीम मिल जाएगा। जाइए सर्च कीजिए, अप्लाई कीजिए, बताइए आपको कैसा लगे स्पाइडर आईजेड V13। आई होप आपको ये थीम पसंद आया होगा, पसंद आया थीम और वीडियो, तो ऑब्वियसली चाहिए वीडियो को लाइक मारिए। वीडियो में लाइक एम कितना रखते, 120 कंप्लीट कीजिए, ताकि वीडियो का लाइक एम कंप्लीट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ भी पूछना नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नीचे आप कमेंट कीजिए और सजेस्ट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिलता है, वो भी दो। जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, नोटिफिकेशन कॉल में रखिए, हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर दिए होंगे, तो जाइए शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल जिससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज या टॉपिक के साथ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।